जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, और साथ में मिनरल रिसोर्सेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ मेजर फैक्ट्स अराउंड द ग्लोब। कुछ जैसे माउंटेन पीक्स है, फिर कैनाल्स है, मेजर कैनाल्स है, फिर रिवर्स के बैंक्स पर कौन से मेजर सिटीज हैं अराउंड द ग्लोब, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सभी को जय हिंद है, जय भारत। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिनरल रिसोर्सेज में समझते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज क्या है, मिनरल्स क्या है। पहले तो ये नेचुरली ऑकरिंग है, मिनरल्स को कोई आर्टिफिशियली नहीं बनाता, ये नेचुरली आपको प्राकृतिक तौर पे आपको मिलता है, और इसमें वन और मोर एलिमेंट्स आपको इसमें मिले हो सकते हैं मिनरल्स में। ध्यान रखिएगा, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स इसमें मिले होते हैं, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कार्बन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो अपने अपने मिनरल्स के अनुसार बनते हैं। आप देख रहे हैं कुछ मिनरल रॉक्स हैं जो आपको आपको बने हुए हैं, ठीक है। ये कुछ मिनरल रॉक्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, माइका है, मैग्नेसाइट है, फिर इस तरह चौक है, ब्लैक होल है, जिप्सम है, ग्रेफाइट है। आप देखें, इसे पॉज करके देखिएगा, ये आपको मिनरल रॉक्स हैं। शुरू करते हैं। अगर हम ओरिजिन में जाते हैं, हमको देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये आपको डिवाइड क्लासिफाइड है मिनरल्स भी। सबसे पहला मेटालिक आयरन ओर। जब मेटालिक आयरन ओर कह दिए तो इसमें कहीं ना कहीं आपको आयरन की मौजूदगी बोला जाता है, मेटालिक आयरन की मौजूदगी बोला जाता है इसमें। अब इसमें भी देखना होता है, जैसे फेरस नॉन फेरस होता है, तो फेरस का अगर होता है तो उसमें लोह यानी लोहा की मौजूदगी होती है, यानी आयरन की मौजूदगी होती है, तो वो फेरस मिनरल है, ठीक है जी। और नॉन फेरस अगर है तो उसमें आयरन की मौजूदगी नहीं होगी, तो उसमें कई है, वो लास्ट में हम लोग उसको देखेंगे अभी। तो मेटालिक आयरन है, मेटालिक यानी ये धातु है ये सारे। अब उसमें भी आयरन के लिए अगर मौजूदगी होगी तो फेरस होगा, नहीं होगा तो नॉन फेरस होगा। फिर नॉन मेटालिक जो धातु नहीं है वो कोल, माइका, मैग्नीज, पेट्रोलियम, सल्फर, ये आपको इसमें कोई भी मेटालिक यानी धातु नहीं है। फिर इसके अलावा रेडियो एक्टिव यानी आपको रेडियो धर्मी, यूरेनियम और थोरियम जो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए, चाहे न्यूक्लियर आर्सेनल्स बनाने के लिए आपको जरूरी होता है, तो वो यूरेनियम और थोरियम की भी मौजूदगी है। समझते हैं ये गोंडवाना रॉक्स क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए प्लेट्यूज को हम लोग बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स बोलते हैं। शुरू करते हैं कि भाई इसका ये जो देख रही है तो दो हिस्से में है, इसको भी इससे भी पुराना समय के लिए अगर जाते हैं तो ये पूरे जितने कॉन्टिनेंट्स थे ये सारे एक में थे। ध्यान रखिएगा, ये सारे कॉन्टिनेंट एक में थे, उसको बोला गया पैंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया। ये सारे कॉन्टिनेंट जिस पे आज हम लोग रह रहे हैं, कई सारे देश मौजूद हैं कॉन्टिनेंट पे, ये सारे इकट्ठे थे, ध्यान रखिएगा। फिर फर्दर ये ओशनिक करंट की वजह से और टेक्टोनिक प्लेट्स के एक्टिविटी की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पिछले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं, ये फर्दर टूटते चले गए, और ये टूटने के दौरान ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो लॉरेशिया हो गया, और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना प्लेट्स कहा जाता है। नाउ गोंडवाना प्लेट्स जब टूटा फर्दर, तो ये देखिए ये रहा आपका इंडिया। ये 5 से 6 हजार किलोमीटर का सफर तय करता है, 33 सी पहले हुआ करती थी, तो ये 5 से 6 हजार किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये सीधा जाकर के लड़ता है इंडो यूरेशियन प्लेट से, यानी लॉरेशिया भी जब फर्दर टूटता है तो ये आपको सीधा ट्रेवल करते हुए सीधा इसमें हेड ऑन कोलिजन आपको होता है, और 33 सी जो है उस पे पड़ने वाले प्रेशर की वजह से आज हिमालय सेमी आर्क शेप में आप देखिएगा, यंग फोल्ड माउंटेन्स का अच्छा उदाहरण है, यानी 33 सी आपको कंप्रेशन की वजह से आज हम माउंटेन्स में ग्लेशियर के तौर पे उसको देखते हैं, और सारे जो भी आपको वाटर बॉडीज इंडिया में थे, तो ये इंडिया सफर करता है और ये सीधा जाकर के लड़ता है इसमें। तो ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना प्लेट का ही हिस्सा हुआ करता था इंडिया भी। अब गोंडवाना जो है वो आपको स्टोर हाउस है जबरदस्त, इसमें आपको लॉरेशिया के मुकाबले गोंडवाना में आपको अच्छा खासा मिनरल्स की मौजूदगी है। तो इसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी देखिएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये आपको है चाहे, तो ये जो है ये गोंडवाना रॉक सिस्टम के तहत है। गोंडवाना सिस्टम ऑफ प्रोवाइड 95% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया, यानी 95% जो कोल है वो इन्हीं बेल्ट से आपको आती है। तो ये गोंडवाना जो
प्लेट का ही हिस्सा है इंडिया, उसमें छोटा नागपुर वाला जो रीजन है वहां से आपको सबसे ज्यादा कोल और मिनरल्स, यानी आपको यहाँ तक कि थोरियम भी, रेडियो एक्टिव मिनरल है, वो मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो आपका इसी झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह के रीजन में है, और ये कोल बेल्ट ये पूरा दिखाया गया है जो गुंडवाना रॉक्स का ही है। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप लोग। अब देखिए कुछ मिनरल रिसोर्सेज हैं और उसके स्टेट्स हैं, कहाँ पे मौजूदगी किसकी है। कोल है तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इस तरह से कॉपर है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, खेतरी माइन तो कॉपर के लिए मशहूर है राजस्थान का, इस तरह से गोल्ड है तो कर्नाटक है, इस तरह आपको हर स्टेट दिया हुआ है आपको पाए जाने वाले मिनरल्स के अनुसार। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैप का प्रयोग करिए भाई, मैप सबसे अच्छा तरीका होता है आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं, ये वाले मैप को आप गौर करें, इस मैप पे आप गौर करें तो सबसे पहले कोल माइन के बारे में बात है। कोल माइन का हिस्सा देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोल माइन का नाम क्या है, वो किस स्टेट में मौजूद है, इन दो चीजों की जानकारी अवश्य हो। तो कोल माइन वेस्ट बंगाल में देखिए रानीगंज, आपको झारखंड में देखिए झरिया, बोकारो, इस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरबा, वर्धा महाराष्ट्र, वारंगल में, तेलंगाना में वारंगल, आदिलाबाद, गोदावरी वैली, आपको आंध्र प्रदेश में कुड़पा, इस तरह से करके आपको कोल माइन का देख रहे हैं। ये आपको बेल्ट जो है ये छोटा नागपुर वाला ही बेल्ट है जो आपको 95% कोल निकालता है। इस मैप पर ये कॉपर माइंस के बारे में हम लोग देखेंगे, जो ये डॉट्स है वो कॉपर माइन का है। देखिए आपको सिरोही, उदयपुर ज्यादातर देखिए राजस्थान में है, देख रहे हैं, और दो आपको मध्य प्रदेश के बैतूल, बालाघाट मध्य प्रदेश के, बिहार के पलामू, पलामू में ही, झारखंड के पलामू में है, हजारीबाग झारखंड, आपको सिंहभूम झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है लेकिन ये झारखंड में ही आता है। आपको मेजर जो कॉपर माइंस है वो आपको राजस्थान में ही आपको मिलता है। चलिए कुछ और मिनरल्स के बारे में देखते हैं। गोल्ड माइन को हम देखते हैं ईस्ट सिंहभूम झारखंड, रायचूर कर्नाटक में है, चित्तूर आंध्र प्रदेश, कोलार कर्नाटक, कोलार के लिए बोलते हैं लैंड ऑफ सिल्क मिल्क एंड गोल्ड, कोलार को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो गोल्ड माइंस है तो यहाँ पे गोल्ड माइंस आपको मौजूद है, भारत में बहुत नहीं है लेकिन ये ऊपर वाले की दया से भारत में हर तरह के मिनरल्स की मौजूदगी है। आयरन ओर माइंस देखते हैं ईस्ट सिंहभूम, देख रहे हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू कितना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां से हर मिनरल्स लगभग मिल रहे हैं। केवनझाड़ ओडिशा, दुर्ग छत्तीसगढ़, गुंटूर, ओंगोल आंध्र प्रदेश, बेल्लारी, चिकमंगलुरु आपको कर्नाटका में है, गोवा में भी आपको मिलते हैं। तो आयरन ओर की मौजूदगी इतने जगहों पे है, आयरन ओर बहुत जरूरी है आपको, फंडामेंटल आपको जो मार्केट्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है उसको बढ़ाने के लिए। तो मैग्नीश का सिंबलाइज कर रहा है ट्रायंगल से। तो देखिए आपको महाराष्ट्र के भंडारा, नागपुर, इस तरह से फिर आपको केडुनझाड़, बिलासपुर, आपको सुंदरगढ़ है, बिलासपुर नहीं सुंदरगढ़ है, इस तरह से करके आपको जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ये आपका दिखा रहा है कि शिमोगा मैग्नीस यहां से आपको प्राप्त होता है। बॉक्साइट के लिए देखें कोरापुट है ना, कोरापुट है, फिर आपको आइए अमरकंटक है, बिलासपुर है, कटनी है, ये आपको मेजर बॉक्साइट यहां से पाए जाते हैं, माइंस है। फिर माइका के मामले में इंडिया नंबर वन है, नेल्लोर, फिर आइए गया, हजारीबाग, फिर आइए बेवाड़, अजमेर, है ना, ये इन जगहों पे आपको माइका की मौजूदगी यहां से मिलता है। फिर मेजर ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, यहां से सवाल बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा, आपको डिगबोई आसाम में है, फिर नुमालीगढ़, गुवाहाटी, इस तरह से करके आप देखिए हल्दिया, कोलकाता, मुंबई, मुंबई हाई तो यहाँ पे आपको समंदर में है, ठीक है, इस तरह से जामनगर गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में ऑयल रिफाइनरीज हैं, बड़े ऑयल रिफाइनरीज हैं, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, भटिंडा, पानीपत, इस तरह से देखिए आपको ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। देखिएगा दोस्तों ये सिर्फ इतना ही नहीं है और भी है तो इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको। अच्छा यूरेनियम डिपॉजिट, हमारे यहाँ यूरेनियम डिपॉजिट का कहाँ कहाँ हमें मिला है और पॉसिबिलिटी कि और यूरेनियम हमें कहाँ मिल सकता है, कुछ रीजन है आपको राजस्थान के, कुछ ऊपरी रीजन है जो नई दिल्ली से सटा हुआ राजस्थान का कुछ पार्ट है जो आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यूरेनियम का मिलता है। फिर आपको आइए तो झारखंड के जडुगुड़ा,
क्षेत्र में आपको सिंहभूम क्षेत्र है झारखंड का, जादूगुड़ा एरिया है वहां पर मिला है। फिर आपको अरुणाचल प्रदेश हैदराबाद के आसपास में आपको मिला है। इस तरह से करके आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जहां पर आपको यूरेनियम डिपॉजिट, यूरेनियम का मिलना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी पर रन करेंगे। साथ में अगर न्यूक्लियर वेपन्स है आपके पास तो इनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। अच्छा फिर नेक्स्ट आइए, फिर लेड और जिंक आपको डिपॉजिट कहाँ कहाँ है। तो रेड कलर लेड माइन को सिंबलाइज कर रहा है, जैसे सरगई पल्ली है, राजपुरा दरीबा है, जवार है, सिंदेसर है, रामपुरा अगुचा है, ये आपको लीड माइन है, यहाँ पर लेड माइन है। फिर लेड जिंक जो है आपको ब्लू से डिनोट कर रहा है, जैसे ममनधुर है, आपको अंबा माता है, इमलिया है, इस तरह अस्कोट है, बुनियार है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होता होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन आप इस मैप को गूगल इमेज पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है डायमंड माइन को देख लेते हैं। पन्ना ऑब्वियस है कि एशिया में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। पन्ना, गुंटूर, कुड़पा, अनंतपुर, कर्नूल, कृष्णा, ये कुछ रीजन हैं जो आपको डायमंड माइंस आपको मिलते हैं और यहाँ से डायमंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर ये एनसीईआरटी का पेज है, ध्यान रखिएगा ये आपके एनसीईआरटी का पेज है, जिसमें आयरन ओर फील्ड के लिए ये हल्का सा लाइट ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। जो आयरन ओर फील्ड आप देख रहे हैं ये रीजन आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू के तहत आता है। कुछ आयरन ओल्ड बेल्ट यहाँ भी है, ब्लैकिश स्पॉट अगर देखें लंबा चौड़ा ब्लैकिश स्पॉट है। फिर आयरन ओर माइन, ये ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल, आयरन ओर माइन, फिर से आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की तरफ। फिर कुछ नीचे साइड में देखें, इसी तरह ब्लैक रेक्टेंगल जो है मरंगोवा मंगलुरु, ये आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स है, मरंगोवा से, मंगलुरु पोर्ट से, विशाखापट्टनम पैराद्वीप से आपको जो आयरन ओर है वो आपको एक्सपोर्ट होता है। फिर मैंगनीज की मौजूदगी गोवा के पास है। फिर इसके बाद यहाँ पे सुंदरगढ़ है, यहाँ पर है मौजूदगी है। फिर बॉक्साइट है, बॉक्साइट भी कई जगह पर आपको मौजूद है, जैसे अमरकंटक है, आप बॉक्साइट वाला मैप पर भी देख सकते हैं। माइका की मौजूदगी, माइका वाले मैप में आपको दिखाया हूँ, ये आपको एनसीईआरटी का पेज है, ध्यान रखिएगा। जगह पता होना चाहिए और किस स्टेट में पता होना चाहिए। कोल फील्ड्स, फिर से कोल माइंस देख ले रेक्टेंगल शेप में, ऑयल फील्ड्स, ये हो गया आपको ऑयल फील्ड है, HVJ, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन, HVJ नेचुरल पाइपलाइन जो आपको बिछाया गया है, ये देखिए HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन, इसका फुल फॉर्म होता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है, ये आपका देखा होगा ये पाइपलाइन जो आपको मौजूद है। ठीक है, ये रहा आपको ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन आपको मौजूद है जिसके तहत आपको नेचुरल गैस सप्लाई किया जाता है। फिर आइए न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से ध्यान दीजिएगा, रेड जो ट्रायंगल है डिनोट कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। रावलभाटा नरौरा यूपी का है, तारापुर महाराष्ट्र का है, फिर कलकाइगा, फिर इस तरह से और भी पावर प्लांट है, कल्पकम, इस तरह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है, ये आपको जगह जगह पे है, ये ब्लैक स्पॉट्स आप देख सकते हैं। फिर मेटल्स को जो हम लोगों ने शुरुआत करी थी वहां पे हमने बताया था कि जो मेटल्स है, यहाँ कोई भी मिनरल है वो फेरस होगा या नॉन फेरस होगा, लोहे की मौजूदगी होगी ठीक है या नहीं मौजूद होगा। तो सबसे पहले फेरस में क्या है, जो प्योर फेरस मिनरल है उसमें आयरन मौजूद होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेरस लौह अयस्क बोला जाता है, आयरन की मौजूदगी है। लेकिन अगर फेरस अलॉय है, अलॉय क्या होता है, देखो जी उसमें एक से ज्यादा हम किसी भी एलिमेंट को मिला सकते हैं, है ना, एक से ज्यादा एलिमेंट को मिला करके हम क्या करते हैं कि उसको कोरिजन होने से बचाते हैं और ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होता है। अलॉय दो अलग अलग चीजों को मिला करके हम उसे और स्ट्रेंथ करते हैं। तो उसमें फेरस अलॉय में आपका स्टील है, हाई स्पीड स्टील, पता है स्टील की मौजूदगी है जिसमें आयरन मिलता है, ये अलॉय के फॉर्म में है, यानी अलग अलग को मिलाकर के जोड़ के बनाया गया है। तो यहाँ आपका मौजूदगी आयरन का। नॉन फेरस में देखिए, प्योर नॉन फेरस मटेरियल जिसमें ये आपका कोई भी आयरन का इस्तेमाल नहीं है, तो वह कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, टिंक, लीड, ये आपका प्योर नॉन फेरस है, कोई आयरन नहीं है। और नॉन फेरस अलॉय यानी आयरन की मौजूदगी जो नॉन फेरस अलॉय है, ठीक है ना, जो नॉन फेरस अलॉय है, ये सारे नॉन फेरस अलॉय इनको जोड़ करके या एक दो को जोड़ करके जो बनाया जाता है,
जैसे ब्रास को, कॉपर और जिंक को, कॉपर और जिंक को जोड़ करके, जो नॉन फेरस है ध्यान दीजिए, कॉपर और जिंक को जोड़ करके मिला करके हमने ब्रास बनाया। ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और टीन का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर है और टीन है, इन दोनों को हम मिला दिए ताकतवर एक प्राप्त करने के लिए, मेटल प्राप्त करने के लिए, तो हमने ब्रॉन्ज प्राप्त किया। सोल्डर है लेड और टीन, लेड और टीन को मिलाकर, यानी नॉन फेरस कोई भी दो या उससे ज्यादा दो को मिलाकर के अगर हमने बनाया है तो उसमें भी आयरन की मौजूदगी नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन फेरस है, ध्यान रखिएगा। मर्करी इज द ओनली नॉन फेरस मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर मर्करी लिक्विड में तब्दील हो जाता है, ये आप देखिए आपको जो थर्मामीटर में भी भरा रहता है वो टूटने पर बाहर ऐसा शेप आपको दिखाई देता है, देखते हैं ना जी। तो एलॉइंग देखिए किस तरह से ये मिलाया जा रहा है। चलिए आइए कुछ अब मिनरल्स के बाद अब हम लोग वर्ल्ड के कुछ महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको पॉज करके पढ़ना है। यहां अगर ये तीन जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाले हैं, एक दो तीन इस ये वाले स्लाइड को मिला करके, वो तीनों स्लाइड्स को आपको पॉज करके पढ़ना है, और अगर आपने इसको देख लिया एक बार तो यहाँ आप पहले तो दिमागी तौर पर आप बहुत पावरफुल होंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है। आज के टाइम में जिसके पास नॉलेज है वो सबसे पावरफुल बंदा है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो रचेगा वही बचेगा। तो मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड आप ये देखें, नाइल है, अमेजन है, यांगजी है, मिसिसिपी है, इस तरह से करके ये मेजर आपको रिवर्स हैं, आपको ये इसे देखेंगे। फिर साइक्लोन्स को, साइक्लोन वाले हम लोगों ने विंड्स एंड प्रेशर सिस्टम वाले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा भी है, आप वहां के वीडियो भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैनाल पनामा स्वेज केरल, और कहां से कहां किसको, सी को किन, कौन से वाटर बॉडी को कौन सा कैनाल जोड़ता है, ये देखेंगे। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन, ओशियन में सबसे गहरा जो अलग अलग पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, आर्कटिक है, तो पैसिफिक मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस के पास है से लेकर के ये अलग अलग ओशियन में सबसे उसकी जो गहराई वाले पॉइंट्स है उसके बाद। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स यानी जल संधि, ध्यान रखिएगा दो अलग अलग वाटर बॉडीज के बीच में एक जल संधि है, ठीक है, और यह हर देशों पर लागू होता है, वहां पर जैसे अलास्का और एशिया के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट जल संधि है जो कि मौजूद है आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी के बीच में, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जल संधियां हैं जो आपको लागू होती है। फिर आइए ये स्ट्रेट वाले का ही पार्ट है, जल संधि वाले का पार्ट है। फिर इंपॉर्टेंट लेक ऑफ द वर्ल्ड, जैसे भारत में इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, है ना, तो उसी तरह से वर्ल्ड भर में जो इंपॉर्टेंट लेक है, कैस्पियन सी, एशिया, याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा भ्रामक है, कैस्पियन सी है ना, कैस्पियन सी एशिया कॉन्टिनेंट लिख दिया है, सुपीरियर कनाडा और यूएस में, विक्टोरिया अफ्रीका, तो इस तरह से करके आपका ये आपका दिया हुआ। नाउ वाटरफॉल्स आपका एंजेला, टेगला, मोंगे, योसेमाइट, कैटराटा, यूबिला आपको कहाँ कहाँ मौजूद है आपको वाटरफॉल्स। रिवर साइड सिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल कितना हूँ पूछता है, ध्यान रखिए बगदाद टिग्रिस के किनारे, बसारा टिग्रिस और यूफ्रेटिस के किनारे, बेलग्रेड, डेन्यूब, बर्लिन, स्प्री, ब्रिस्टल, एवॉन, बुडापेस्ट, डेन्यूब नदी के किनारे, कायरो, नाइल, नाइल को गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट को भी बोलते हैं, कैंटन, सैकियांग, ग्लासगो, क्लाइड, हैम्बर्ग, एल्बे, जमशेदपुर, सुवर्ण रेखा, काबुल, काबुल, कराची, इंडस, खरतुम, नाइल, लाहौर, रावी, लिस्बन, इस तरह से करके आप देखेगा ये मुनि रावदी तक ये आपका सिटीज मौजूद है। ग्रेट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आप देखिए, सहारा, नॉर्थ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में भी गिब्सन अलग है, सिम्पसन अलग है, विक्टोरिया ग्रेट सैंडी अलग है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इस तरह से करके पैटागोनिया, अर्जेंटीना में, कालाहारी, बोत्सवाना, नामीबिया, ये आपको ग्रेट डेजर्ट्स हैं जो वर्ल्ड भर में आपको मौजूद है। ज्यादातर डेजर्ट आप देखिए किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में मौजूद होगा क्योंकि हवाएं शुष्क हो जाती हैं, एरिड हो जाती हैं। मेजर आइलैंड जो है वर्ल्ड भर में जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़े आइलैंड्स हैं, डेनमार्क में ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क कंट्री है उसका, न्यू गिना और आपको इंडोनेशिया, बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया, यानी ये कुछ मेजर आइलैंड्स हैं जो किस कंट्री के हैं, कंट्री के पास हैं, ये देखना पड़ेगा। फिर मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है उसके बारे में, जैसे गोल्ड के मामले में चाइना, बॉक्साइट, ऑस्ट्रेलिया, कॉपर, चिली, प्लैटिनम, प्लैटिनम साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूस करता है, क्रोमियम साउथ अफ्रीका, वैनेडियम चाइना, एंटीमोनी चाइना, इस तरह पेट्रोलियम यूएसए। एग्रीकल्चर के मामले में देखिए कॉफी ब्राजील, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डेवलप होता है, रबर थाईलैंड, टी चाइना, ऑयल पाम इंडोनेशिया, कोकोआ घाना, मेज यूएसए, फ्रूट एंड वेजिटेबल चाइना, इस तरह से देखिए ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। फेमस ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट,
स्टेपी यूरेशिया, पुस्टज, हंगरी प्रेरी, यूएस में पाए जाते, ये ग्रीन लैंड, ये ग्रास लैंड है, ये बहुत बड़े बड़े ग्रास लैंड है जो आपको पाए जाते हैं, जैसे वेल्स, साउथ अफ्रीका, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, श्रीलंका में जैसे पटाना बोला जाता है, श्रीलंका में मर्ग, कश्मीर में बोला जाता है, जो कि ग्रास लैंड है ना। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी, कुछ इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रीज हैं जो जिसके लिए फेमस उसके जिस सिटी में मौजूद है, जैसे आपको अनशन चाइना आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है, ये सिटी काफी यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। बाकू अजरबैजान कंट्री में है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। बेलफास्ट आइलैंड शिप बिल्डिंग के लिए, उसी तरह कावासाकी जापान आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है प्रोडक्शन के लिए। लीड्स यूके वुलन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से फिर आप देखें उसी का हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा ये है कि वेलिंगटन न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, व्लादिवोस्टोक रशिया में शिप बिल्डिंग के लिए। तो अलग अलग सिटीज वो कंट्री किस कंट्री में मौजूद है और वहां पे कौन सी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसके बारे में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, जैसे आप जानते हैं ना भारत चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, 24 पैरेलल रन ऑफ कच्छ की तरफ से पाकिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहले इंडिया अफगानिस्तान था, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान। तो उसी तरह वर्ल्ड भर में अलग अलग लाइंस मौजूद हैं, जैसे 17 पैरेलल नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम को अलग करता है, 24 पैरेलल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, 49 पैरेलल यूएस कनाडा को अलग करता है, 38 पैरेलल नॉर्थ और साउथ कोरिया को, सेज फील्ड लाइन फोर्टिफिकेशन बिटवीन जर्मनी और फ्रांस को, ओडेसर नेसी लाइन जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है, मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी, हेडिनबर्ग जर्मनी पोलैंड को, ड्यूरन। तो इस तरह से करके डिफरेंट इंटरनेशनल बाउंड्री को किस नाम से जाना जाता है ये है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, देखिए जी हाईएस्ट पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल एशिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यानी समुद्र तल से, यानी हाइट फ्रॉम द सी लेवल, आपको माउंट एवरेस्ट का है 8848 है, उसको राउंड ऑफ फिगर में 8850 लिखा है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है। और लोएस्ट पॉइंट क्या है, डेड सी, ये -396 है, मतलब आपको सी लेवल से भी नीचे आपको, लेकिन ये आपको ग्राउंड में है, समझ लीजिए कॉन्टिनेंट पर है ये डेड सी -396, यानी सी लेवल से भी काफी नीचे गहराई तक है। इस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग हाईएस्ट पॉइंट और उसके समुद्र तल से नीचे तक कितना गहरा आदमी देख पाया है वो आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप लोग का कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, कौन से मिनरल कहाँ पाई जाती है इसके बारे में पढ़ा, फिर वर्ल्ड के कुछ मेजर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में देखा। जहाँ पे वीडियो पॉज करने की जरूरत है जरूर करिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ी गई बातें उसके बाद वो आपके दिमाग से कभी नहीं उतरेगी, ये याद रखिए। मन से 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, देख लीजिए, उसके बाद जहां से भी नॉलेज मिलता है जरूर एक्वायर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। एंजॉय करिए और खूब लर्न करिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।